हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहां से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठ। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। हमारे पास मसाइल के हल के लिए फार्मूले हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब, कहा मुल्क का हर शख्स बाशऊर और मेहनतकश है, हमें अपनी आवाम पर नाज है, हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ को एमएफए रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ से मुलाकात की, गले मिले और एमएफए रेफरेंस में बरियत पर खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों कायदीन ने सियासी सूरतेहाल और इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। कानून मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट का, जिसमें ये कह दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो नहली है वो 5 साल की है। कानून जो ला है दैट होल्ड फील्ड, वो चैलेंज नहीं हुआ। ये गलत केस थे, गलत फैसले थे, ये फैसले जो है ये अदलिया के माथे का भी दाग थे। अल्लाह ने नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवल फील्ड में सुरखरू किया है। अस्को नोटिस के तहत अल जजीरा रेफरेंस का भी मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगु, कहा चेयरमैन पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मकाफात अमल है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया, आज वही फैसला चेयरमैन पीटीआई के आड़े आ रहा है। कि वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा, तो वो चीज वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी, फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने आप होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। मुशरा बीबी और उनकी नंदों में इख्तलाफात, वकील लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू की मुबैना आडियो मंजराम पर आ गई। बुशरा बीबी ने कहा कि बहनों ने बताया आपने उनसे बदतमीजी की है, आखिर उन्हें आपके दफ्तर आने की जरूरत क्या थी। लतीफ़ खोसा बोले कि मैं तो बदतमीजी करने वाला शख्स ही नहीं हूँ। बुशरा बीबी ने कहा खान साहब से कह दिया है, मेरे वकील आप ही होंगे। रहनुमा सहकाम है पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अबान का बुशरा बीबी की मुबैना आडियो लीक पर तबसरा, कहा आडियो से नंद भावच के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वो पिरनी जिसकी वजह से वजारत उज़्मा बर्बाद होगी, आज वो अलीमा बीबी और उज़्मा बीबी को क्या समझेगी। ये खातून और बहन भाई के रिश्ते को भी पामाल करने पर तुली हुई है। £19 करोड़ केस में पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त से जमानत पर नैक का नोटिस जारी कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने एहतसाब अदालत के रूबरू मौका इख्तियार किया। पीटीआई चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म और क्रिकेटर रह चुके हैं। मुकदमात का वाहिद मकसद शोहरत को नुकसान पहुंचाना है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का दूसरा शोकास नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में 24 नवंबर का शोकास नोटिस कल अदम करार देने की सदा कर दी, कहा रेफरेंस बुनियाद महज बदनीयती पर है। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। नैक को सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। जराये के मुताबिक 10 से ज्यादा सवालात का जवाब वकील के जरिए पहुंचाया गया। नैब हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार करके अदालत को जमा करवाएगा। नू लीग ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम नू मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात। यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकरीकी अमूर पर मुशावरत। मुलाकात में तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया।
पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन सरासर सिलेक्शन है। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने नए चेयरमैन की तकरीर को मुस्तरद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए आज़ाद मुबसरीन का तकरर करे, शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। पीटीआई में निगरान चेयरमैन का तकरर और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तनाजात का शिकार। एक और बानी रहनुमा सईदुल्ला खान न्याजी का अकबर एस बाबर की हिमायत का ऐलान।